हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैशिंग के बारे में और डिफरेंट टाइप की हैशिंग टेक्निक्स जो किसी भी एक इंजीनियरिंग सिलेबस में होती हैं। सो व्हाट इज़ हैशिंग? हैशिंग इज़ एक्चुअली अ सर्चिंग टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन हैश टेबल। सो देखिए, हैशिंग में होता क्या है, वी हैव वन की, एक की होती है हमारी जो एक्चुअल हमारा डेटा है उसको हम की कहते हैं। सो वी हैव ए की एंड वी हैव टू स्टोर दिस की इन द मेमोरी और द एड्रेस। अब देखिए, उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस की को एक हैश फंक्शन से पास करते हैं। दिस इज़ द हैश फंक्शन और ये हैश फंक्शन एक स्मॉलर वैल्यू जनरेट करता है जो आपका एड्रेस होता है। सो द बेस्ट हैश फंक्शन इज दैट हैव मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन का क्या मतलब है कि अगर दो कीज़ के लिए, सपोज K1 और K2, अगर दो कीज़ में हमने हैश फंक्शन लगाया और उन्हें सेम एड्रेस A1 को पॉइंट कर दिया, देन इट विल रिजल्ट इन ए कोलिजन। तो जो सबसे बढ़िया हैश टेक्निक या हैश फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि कितने कम कोलिजन होते हैं आपकी हैशिंग में। सो इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन विच इज़ दिस हैश फंक्शन टू द की वैल्यू दैट रिजल्ट्स इन मैपिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल कीज़ वैल्यूज़ इन टू स्मॉलर रेंज ऑफ रिलेटिव एड्रेस, जो मैंने आपको इस छोटे से प्रोसेस से समझाया है कि एक फंक्शन है जिसमें हम की को इनपुट करते हैं और एक स्मॉलर रेंज एड्रेस हमें मिलता है। सो दिस इज़ हैशिंग। नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशिंग फंक्शन। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट हैशिंग। डायरेक्ट हैशिंग में कोई भी एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन नहीं होती है। सो इफ देर इज़ नो एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन देन फॉर वन पर्टिकुलर की देर विल बी ओनली वन एड्रेस। सो देर आर नो कोलिजन और मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स, बट इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रेंज ऑफ कीज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा की वैल्यूज हो जाएंगी या लार्ज की वैल्यूज हो जाएंगी देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द एड्रेस। तो अब देखिए कि सिंपल हैशिंग कैसे काम करती है हमारी। सपोज मेरे पास एक एड्रेस वैल्यू है 101, की वैल्यू है 101 और उसको मैंने हैश फंक्शन से पास किया एंड इट इज़ रिजल्टिंग मी द वैल्यू सपोज 2। देन अगेन वन मोर इज 102 एंड इट इज़ रिजल्टिंग मी अ वैल्यू 3। तो अब जो आपका यहाँ पे मेमोरी होगा उसमें दिस वैल्यू 101 विल गेट मैप टू द सेकेंड एड्रेस। सो वो आपका यहाँ पे एड्रेस मैप हो जाएगा और जो 102 है वो मैप हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें कोई भी एल्गोरिथम मैनिपुलेशन नहीं है, तो इसमें कोई भी चांस नहीं होता कि दो कीज़ का सेम हैश निकल के आएगा। दैट इज़ वाई इट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स। सो दिस इज डायरेक्ट हैशिंग। सेकेंड टाइप ऑफ द मोस्ट यूज टाइप इज़ द मॉड्यूलर डिवीजन हैशिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग। अब देखिए इसमें होता क्या है, डिवीजन रिमाइंडर हैशिंग में फॉर्मूला इज लाइक दिस, हैश इज इक्वल्स टू के विच इज़ द की वैल्यू मॉड एन, एन इज़ द लिस्ट साइज, एन इज़ द साइज ऑफ द लिस्ट। सो सी वॉट हैपन्स हेयर इज, सपोज द कीज आर 101, 102, 103 एंड अगेन इफ आई हैव 201, 204, ये पांच कीज हैं और जो मेरा लिस्ट का साइज है वो है 10। सो द लिस्ट साइज इज 10
मुझे इन कीज़ को इस लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। तो देखिए होगा क्या, एच ऑफ 101 विल बी 101 mod 10 एंड 101 mod 10 इज 1। सो 101 विल गेट मैप टू एड्रेस लोकेशन 1। देन कम्स 102, सो एच ऑफ 102 इज 102 mod 10 विच इज इक्वल्स टू 2। सो 102 विल गेट मैप टू 2 एंड सिमिलरली 103 विल गेट मैप टू 3 एंड 204 विल गेट मैप टू 4। तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग का, कि मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग काम कैसे करती है। बट इसमें आप देख रहे हैं कि एक इसमें प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज देयर आर चांसेस ऑफ कोलिजन्स। बट इफ द लिस्ट साइज इज अ प्राइम नंबर देन द फ्यूअर कोलिजन्स अकर। अब देखिए कोलिजन का इसमें चांस कैसे हुआ, मेरे पास जो की वैल्यू है 201, अब अगर मैं इसका निकालता हूँ हैश वैल्यू 201 का तो कितना आएगा, 201 mod 10 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो देयर इज नाउ अ कोलिजन दैट इट इज गिविंग अ हैश वैल्यू 1, बट द हैश वैल्यू 1 इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड, सो इट मे रिजल्ट इन कोलिजन। बट इफ द लिस्ट साइज इज अ प्राइम नंबर, सपोज द लिस्ट साइज हेयर इज 23, देन अगेन कैलकुलेट फॉर दीज वैल्यूज एंड यू मे फाइंड दैट देर आर नो कोलिजन्स इन दैट केस। सो दिस इज अबाउट मॉड्यूलो डिवीजन हैशिंग। नेक्स्ट इज मिड स्क्वेयर हैशिंग। नाउ इन मिड स्क्वेयर हैशिंग इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल ऑफ स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर द वैल्यू ऑफ द की, और हम कह सकते हैं कि हम की अगर के है तो की का स्क्वेयर निकालते हैं के स्क्वेयर, एंड द एड्रेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्क्वेयर नंबर, कि जो इसका स्क्वेयर की जो वैल्यू आई है इसका मिडल जो होगा वो आपका एड्रेस होगा। बट द प्रॉब्लम हेयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की, इसमें कीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द के वैल्यू इज 9452, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे 9452 स्क्वेयर, और जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है इसका स्क्वेयर अगर आप निकालेंगे तो 8934030304। तो जो इसका एड्रेस होगा इस की का वो होगा इसका मिडिल, सो द मिडिल ऑफ दिस नंबर। और जो हम देखिए एड्रेस जो लेते हैं उसका भी एक साइज फिक्स होता है, सपोज द एड्रेस जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें उसका साइज 4 है, तो हम 4 डिजिट्स का मिडिल नंबर लेंगे, इसमें जो मिडिल नंबर आएगा वो आएगा 3403। दो नंबर यहाँ से हटा देंगे, दो नंबर यहाँ से हटा देंगे हम, तो जो एड्रेस आएगा या फिर हैश ऑफ द की आएगा वो होगा 3403। सो दिस इज मिड स्क्वेयर हैशिंग टेक्निक विच इज यूज्ड इन फाइंडिंग द हैश ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैशिंग टेक्निक दैट वी हैव टू स्टडी इज फोल्डिंग हैशिंग। अब फोल्डिंग हैशिंग को दो डिफरेंट टाइप्स की हैशिंग टेक्निक्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है फोल्ड शिफ्ट हैशिंग और एक है फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। सो द डेफिनेशन ऑफ फोल्ड शिफ्ट हैशिंग इज इन दिस द की वैल्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। मैं साथ में क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, उससे क्लियर होगा। सपोज द की इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो इन दिस द की वैल्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स हुज साइज मैचेज द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एड्रेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी की को पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, इन टू पार्ट्स है, टू पार्ट्स नहीं है, गलती से लिखा गया मैं इसे, इन टू पार्ट्स हुज साइज मैचेज द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एड्रेस। सो इफ इन दिस क्वेश्चन द आई से द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एड्रेस इज 3, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। सो तीन पार्ट्स क्या क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8 and 9। Then you have to add those numbers. So write it like this, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 and 9, ऐड देम। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8, 6, 3 and 1। सिंस द साइज ऑफ द एड्रेस इज 3, सो वी हैव टू डिस्कार्ड द वैल्यू 1। तो आप इस 1 की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दीजिए और जो रिक्वायर्ड एड्रेस है वो या फिर हैश ऑफ द की है दैट इज 3, 6, 8। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड शिफ्ट हैशिंग। नेक्स्ट इन दिस इज फोल्ड बाउंड्री हैशिंग। सो द फोल्ड बाउंड्री हैशिंग सेज इन दिस अ लेफ्ट एंड राइट नंबर आर फोल्डेड ऑन ए फिक्स्ड बाउंड्री बिटवीन देम एंड देन द सेंटर नंबर इज सिलेक्टेड। सो इसकी क्या एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं फोल्ड बाउंड्री के केस में भी। सो द की इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अब देखिए इसमें मिडिल नंबर क्या है, इसमें अगर हम निकालते हैं तो मिडिल नंबर इज दिस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोल्ड द लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब है इसको रिवर्स करके लिख दीजिए तो ये हो गया 3, 2, 1। इसको भी रिवर्स करके लिख दीजिए तो ये हो गया 9, 8, 7। एंड जो मिडिल है दैट इज एक्चुअली द बाउंड्री, उसको एज इट इज लिखेंगे हम 4, 5 and 6। देन जब आप इसको सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, 7, 6, 4। अगेन यू हैव टू डिस्कार्ड द 1 एंड द आंसर ऑफ दिस और द एच की इज 7, 6, 4। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड बाउंड्री हैशिंग टेक्निक। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैशिंग इज सूडो रैंडम हैशिंग। इन सूडो रैंडम हैशिंग द कंसेप्ट ऑफ रैंडम नंबर्स इज यूज। सो इफ यू सी इन दिस एग्जाम्पल वट आई हैव डन और द वट मैथड इज गिवन इज एक रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं वाई। सो वाई इज अ रैंडम नंबर विच वी आर जनरेटिंग। ए इज सच चूजन कोफिशेंट, ए को हम कोई भी कोफिशेंट चूज कर सकते हैं। सो सपोज इफ आई एम चूजिंग द वैल्यू ऑफ ए इज 1, 2, 1, 2, 6, 7 एंड द वैल्यू ऑफ माई की विच इज एक्स, एक्स इज द की, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 17 एंड द कॉन्स्टेंट दैट आई एम चूजिंग इज 7। सो इफ यू कैलकुलेट वाई फ्रॉम दिस नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक 2, 0, 6, 1, 5, 4, 6। तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज एच ऑफ के इज 2, 0, 6, 1, 5, 4, 6 मॉड एन विच इज द लिस्ट साइज। तो इसमें एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम की से विच इज एक्स, की से एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं वाई एंड देन फ्रॉम दैट रैंडम नंबर वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ हैश। This is pseudo random hashing. It is also used in the case of collision revision, this exact formula. क्योंकि अगर collision आ रहा है आपका किसी case में so it is always recommended to use pseudo random hashing. क्योंकि इसमें collision के chances बहुत कम होते हैं। If there is a collision then you can change the value of A or C. Then the collision will easily be removed. Next is subtraction hashing. It is actually similar to that of the direct hashing technique. What we do is in this is we subtract a fixed value from the key. Iska ek bahut hi classic example hai. Suppose there are 100 employees in a company aur in 100 employees ka data mujhe save karna hai, but the employee number which is used आर फ्रॉम 1001 to 1100। सो द एम्प्लॉय नंबर जो है वो 1001 से 1100 तक है बट हैं 100 एम्प्लॉयज। तो हम क्या करेंगे इसमें एच ऑफ के निकालने के लिए, हम जो की है दिस इज एक्चुअली द की वैल्यू। वट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट अ फिक्स्ड वैल्यू और फिक्स्ड नंबर विच इन दिस केस कैन बी 1000।
तो देखिए, जब हम अगर एच वन का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1001 माइनस 1000 विच इज़ वन, और वी कैन से दैट एम्प्लॉय नंबर वन का डेटा। सो इट इज़ एक्चुअली सिमिलर टू डैट ऑफ डायरेक्ट हैशिंग, देर आर नो कोलिजन, बट इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर स्मॉल लिस्ट ओनली। सो इन दिस लेक्चर वट वी हैव सीन इज, वी हैव सीन वट इज़ हैशिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स, दैट इज लीनियर प्रॉप, क्वाड्रेटिक प्रॉप, लिंक्ड लिस्ट टेक्निक, एंड देर इज ऑल्सो सूडो रैंडम टेक्निक, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन डाटा स्ट्रक्चर एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।